जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए बिहार स्पेशल जीके लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनमें स्पेशल बिहार के ही बारे में बताया जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट और शेयर करिए, ताकि वीडियो जो है आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी लेकर ही बैठिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना भी पड़ेगा ताकि आपके फ्यूचर में काम आए। दोस्तों कह रहा है कि बिहार में अनुमंडल की बात कर रहा है। तो दोस्तों बिहार में कुल परमंडल जो है 9 होता है, और अनुमंडल की बात करें तो टोटल अनुमंडल 101 है। बिहार में कह रहा है विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो बिहार में टोटल जो विश्वविद्यालय है वो हमारा 31 है। अगला दोस्तों जो प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन है, तो दोस्तों पटना हो जाएगा, और सबसे कम की बात करेगा तो सिक्किम हो जाएगा। बिहार में सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, शेखपुरा। बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, तो लिंग अनुपात मतलब वहाँ पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्या अंतर है, डिस्टेंस के कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा दोस्तों मुंगेर हो जाएगा। शेर खां का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों शेर खां का वास्तविक नाम पूछ रहा है, यहाँ फरीद उसका नाम हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था, दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1978 हो जाएगा। आगे दोस्तों जो प्रश्न है कह रहा है बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था, यहाँ प्रश्न को आप देख सकते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 जून 2002 को, यहाँ पर आपका प्रश्न हाजिर है। बिहार में कितनी चीनी मिले हैं, टोटल बिहार की बात किया जाए तो 28 चीनी मिल है, ठीक है। कह रहे हैं कि बिहार में अग्निशह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है, दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा भागलपुर हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहे हैं बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, दोस्तों इसका हो जाएगा मीर कासिम। अगला जो दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था, इसका आंसर जो है सीताब राय। अगला दोस्तों कह रहा है गोलघर निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, इसका जो आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों सही है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, उस समय नेता कौन थे, पीर अली खान थे। अगला जो सबसे लास्ट जो प्रश्न दोस्तों कह रहा है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किस चीज़ का केंद्र था, तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर।